हेलो दोस्तों, मैं सेल्फ श्रीनिवास मराठे, मोटिवेशनल स्पीकर, माइंड शिफ्ट ट्रेनर और आपका अपना दोस्त। दोस्तों, मेरे माइंड पावर के प्रोग्राम में बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ आते हैं और वो बच्चों के सामने ही मुझे उसके बारे में शिकायत करने लगते हैं। सर, ये पढ़ाई नहीं करता है, हमारी बात को नहीं मानता है, हमने तो इससे उम्मीद ही छोड़ दी है। मैथ्स में तो ठीक है लेकिन साइंस में बहुत कमज़ोर है, साइंस के इसको हमने क्लासेस भी लगा दिए हैं फिर भी अच्छे मार्क्स नहीं ला पा रहा है। और जब मैं बच्चे की तरफ देखता हूँ तो वो बहुत मायूस मुझे नज़र आता है, उसका कॉन्फिडेंस पूरी तरह से लो हो जाता है। दोस्तों, अगर हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, हमारा मन अगर कमज़ोर हो जाता है तो हम इस काबिल बचते ही नहीं है कि हम हमारे अंदर सुधार ला सके, क्योंकि ज़बरदस्त पॉजिटिव माइंड चाहिए होता है खुद के अंदर वो बदलाव लाने में, वो सुधार लाने में। उन पेरेंट्स को जो कहानी मैं बताता हूँ वही कहानी अभी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, क्योंकि ये कहानी इतनी पावरफुल है दोस्तों, ये सत्य कहानी है और ये हर पेरेंट्स को पता होनी चाहिए। एक बार एक छोटा बच्चा स्कूल से घर पर आता है, जेब में से एक चिट्ठी निकालता है और अपनी मम्मी को देता है पढ़ने के लिए और कहता है, मम्मी टीचर ने ये आपको पढ़ने के लिए दी है। और जैसे उसकी मम्मी वो चिट्ठी पढ़ना शुरू करती है तो उसकी आंखों में से आंसू आ जाते हैं और रोने लगती है। तो ये जो छोटा बच्चा है इसे समझ में नहीं आता है कि मम्मी क्यों रो रही है, तो अपने मम्मी से पूछता है कि मम्मी आप क्यों रो रही हो, क्या लिखा है इस चिट्ठी में मेरे बारे में मेरे टीचर ने। तो उसकी मम्मी आंसू पोंछती है और कहते हैं कि बेटा, इस चिट्ठी में लिखा है कि आपका बेटा बहुत होशियार है, वो इतना होशियार है कि हमारे स्कूल में कोई टीचर ही नहीं है जो उसे सिखा सके, और इसलिए कृपा करके उसे कल से स्कूल में मत भेजिए। और आके उसकी मम्मी उसे कहती है कि बेटा तुम टेंशन मत लो, कल से मैं तुम्हें सिखाऊंगी और मुझे ये बात पढ़कर बहुत अच्छा लगा कि तुम बहुत होशियार हो। और दूसरे दिन से उसकी जो माँ है उसे घर पर ही सिखाना शुरू करती है, और अगर वो कहीं अटक जाता है, कोई बात उसे डिफिकल्ट लगती है तो उसे वो एम्पावर करती है, उसे कहती है अरे तुम इतने होशियार हो कि तुम्हारे स्कूल के टीचर ने तुम्हें सिखाने से इनकार कर दिया था। और आहिस्ता आहिस्ता वो जो बच्चा है वो सीखना शुरू कर देता है, लर्न करना शुरू कर देता है। अब इस बात को बहुत साल हो गए हैं, वो बच्चा जो है अभी वो बड़ा हो गया है और साइंटिस्ट बन चुका है। अब उसकी मम्मी की मृत्यु हो चुकी है, एक दिन वो अपने कुछ पुरानी चीज़ें ढूंढ रहे थे और एक पेटी में उनको वही चिट्ठी नज़र आती है जो बचपन में उन्होंने अपनी माँ को ला कर दी थी, और वो एक्साइटेड हो जाते हैं, ओके तेरी यही तो वो चिट्ठी है जिसमें लिखा था कि मैं बहुत जीनियस हूँ। और वो चिट्ठी जब वो पढ़ना शुरू करते हैं तो दोस्तों वो चिट्ठी में कुछ और ही लिखा होता है, वो चिट्ठी में लिखा होता है कि आपका बेटा मंदबुद्धि है, उसे कुछ नहीं आता है, वो हमारे स्कूल के काबिल ही नहीं है, हमारे स्कूल में कोई ऐसा टीचर नहीं है जो उसे सिखा सके। और उस व्यक्ति की आंखों में से आंसू आ जाते हैं, क्यों पता है दोस्तों? क्योंकि वो व्यक्ति कोई और नहीं, ग्रेट साइंटिस्ट थॉमस अल्वा एडिसन होते हैं। उनको अपनी माँ की वो बात याद आती है जो उन्होंने वो चिट्ठी उस बच्चे को कुछ और ही तरीके से पढ़कर बताई थी। वो अपने आंसू पोंछते हैं, चिट्ठी साइड में रखते हैं, अपनी डेली डायरी लेते हैं और उस डायरी में बहुत खूबसूरत पंक्तियाँ लिखते हैं। उस डायरी में वो लिखते हैं कि एक महान माँ ने, एक महान माँ ने एक मंदबुद्धि बच्चे को इस दुनिया का महान साइंटिस्ट बना दिया। दोस्तों, उनकी माँ ने उनको कभी ये एहसास ही नहीं होने दिया कि वो मंदबुद्धि है या उनका दिमाग नहीं चलता है। और बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के सामने शिकायत करते हैं कि ये मंदबुद्धि है, इसका दिमाग नहीं चलता है, ये कुछ नहीं करेगा, इसका कुछ नहीं होगा। दोस्तों, उद्देश्य हमारा पॉजिटिव होता है लेकिन तरीका बहुत गलत होता है। छोटे बच्चों के मन के ऊपर मम्मी पापा का बोला हुआ हर बात का असर होता है। गलती से भी अपने बच्चों के सामने उनकी गलतियां नहीं गिनाना है, उनके माइंड को कमज़ोर नहीं करना है। और आजकल के पेरेंट्स ज़्यादातर पेशेंस क्यों खो देते हैं, उसके कुछ कारण है, क्योंकि आज के पेरेंट्स अपने बच्चों को हर फील्ड में एक्सपर्ट बनाना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि बच्चे जो है हमारे वो स्विमिंग में भी एक्सपर्ट हो, वो खेल कूद में भी एक्सपर्ट हो, वो पढ़ाई में भी एक्सपर्ट हो, वो मैथ्स में भी एक्सपर्ट हो, वो साइंस में भी एक्सपर्ट हो। दोस्तों, अगर वो मैथ्स में एक्सपर्ट है, मैथ्स में वो बहुत ज़्यादा मार्क्स ला रहा है, और साइंस में अगर वो कम मार्क्स ला रहा है तो ज़्यादातर पेरेंट्स उसे साइंस का ट्यूशन क्लासेस लगा कर देते हैं। दोस्तों, आपका बेटा अगर मैथ्स में एक्सपर्ट है, उसमें अगर वो ज़्यादा मार्क्स ला रहा है तो उसे मैथ्स के ट्यूशन क्लासेस लगा दो, अगर ट्यूशन क्लासेस आप लगाना ही चाहते हो तो, क्योंकि साइंस में वो कमज़ोर है और उसके आप ट्यूशन क्लासेस लगा दोगे तो उसमें ठीक है, वो 50 मार्क्स लाता था तो 60 मार्क्स वो लेकर आएगा, लेकिन पहले जो मैथ्स में वो 80-90 लाता था वो फिर 80-90 नहीं लाएगा, वो कम हो जाएगा, उसमें उसका जो परफॉर्मेंस है वो कम हो जाएगा।
आज का जमाना जो है वो एक्सपर्टिस का है, उसे किसी एक फील्ड में आप एक्सपर्ट बना लो, बाकी के फील्ड में बाकी के सब्जेक्ट में अगर वो पास होने के इतने भी मार्क्स ला रहा है तो ठीक है, अगर ज़्यादा ला रहा है तो बढ़िया बात है, लेकिन एक सब्जेक्ट में उसे एक्सपर्ट बनाओ। ये मेरा पर्सनल मानना है, जरूरी नहीं कि आपकी भी मान्यता हो, लेकिन मुझे ऐसे लगता है अगर वो एक फील्ड में एक्सपर्ट बन गया ना, एक फील्ड का अगर वो बापू बन गया ना, वो इतना सक्सेसफुल होगा लाइफ में, इतना पैसा कमाएगा बाकी काम करने के लिए वो नौकर रख लेगा। ऐसे बहुत सारे सक्सेसफुल लोग आप देखोगे, उन्होंने एक फील्ड में मास्टरी हासिल की, वो एक फील्ड के बापू बने, और इसलिए जिंदगी में नेम फेम पैसा सब कुछ उन्होंने बहुत जबरदस्त उन्होंने कमाया। और इसलिए कोशिश करना कि आपका बच्चा जो है वो एक फील्ड में एक्सपर्ट बने, और उसकी गलतियां भी आपको गिनानी है तो उसके सामने मत गिनाइएगा। हाँ, उसकी अच्छी बातों को आप उसके सामने बता सकते हो, जिससे उसका माइंड और ज्यादा पावरफुल होगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगा मुझे जरूर बताना कमेंट्स करके, लाइक करना अगर आपको पसंद आता है तो, शेयर करना, सब्सक्राइब करके आइकन का बटन जरूर क्लिक कर देना, क्योंकि कंटिन्यूअस एंड नेवर एंडिंग इम्प्रूवमेंट ये जो यूट्यूब पे वीडियो सीरीज में लेकर आया हूँ, इस वीडियो सीरीज का नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी मैं लेकर आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।